श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद दिवल सरकार की जय। गिरिधर अरु गोपाल दुवति दीन दयाल। गिरिधर अरु गोपाल दुवति दीन दयाल। गिरिधर अरु गोपाल दुवति दीन दयाल।
Oh,
मान माधुरी सखी के यहाँ से सुबह सुबह श्री राधा रानी जी के महल में पहुंचे और ठाकुर जी का जो श्रृंगार था, हाव भाव थे, सब अटपटे थे। तो किशोरी जू राधा रानी व्यंग कर रही है और श्याम सुंदर से कह रही है कि आज तो तुमने छैल भर अटपट भेष बनायो। हे श्याम सुंदर, आज तो तुमने बड़ा ही अद्भुत भेष बनाया हुआ है। छैल भर अटपट भेष बनायो, छैल भर अटपट भेष बनायो, छैल भर अटपट चंद्रावली सखी के चरणों में अपने सिर को रख कर जब आपने आंसू बहाए तो चंद्रावली सखी के चरणों में जो लाल मिहावरी लगी हुई थी वो ठाकुर जी के सिर पर लग गई। और क्या अटपट भेष है ठाकुर जी का? दे उपहार पीत अंबर निज अरुण ओरणी भायो। ठाकुर जी से राधा रानी कह रही हैं कि अपना पीतांबर जो ठाकुर जी ओढ़े हुए थे, दुपट्टा, पीला दुपट्टा, वो चंद्रावली को उपहार में दे आए, क्या गिफ्ट में दे आए? और उनकी चंद्रावली सखी लाल ओढ़नी चुनरी ओढ़े हुए थी और उसकी लाल चुनरी तुमको भा गई, इसीलिए लाल चुनरी ओढ़े हुए हो। और क्या, बिखरे केश नैन रत्नारे मुरली कित विसरायो। रात भर चंद्रावली के पास थे तो तुम्हारे जो केश हैं वो बिखरे हुए हैं और रात भर तुम जागे इसलिए तुम्हारे नैन लाल लाल हो रहे हैं और तुम्हारी प्राण प्यारी मुरली वो कहाँ रह गई, वो भी उसको गिफ्ट कराए।
मुरली कित विसरायो वचन अरवरे स्वेद कंप तनु। और ठाकुर जी जब राधा रानी से बात कर रहे हैं, जैसे कोई बात बनाता है, छूट बोलता है ना, तो एकदम सीधे सीधे बात नहीं करता, अटक अटक के बात करता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी वचन अरवरे रुक रुक के ठाकुर राधा रानी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। शरीर में पसीना है, कंप हो रहा है, तब राधा रानी कहती हैं, अच्छा इसी से तुम्हारा अपराध जाहिर हो रहा है। ये जो अच्छा हुआ तुम सीधे यहाँ पर आ गए चंद्रावली के घर से, तो तुम्हारा अपराध प्रकट हो रहा है। धनी धनी नीरज आज उछल उघर्यो भली करी जो आए, धन्य हो अरे निर्लज आज तुम्हारा छल प्रकट हो गया, भली करी जो आयो, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। सुनु कृपालु कटु वचन ललित के लाल दिगन तम छायो। राधा रानी के कटु वचन सुनकर ठाकुर जी के आंखों के तले अंधेरा छा गया, और इधर राधा रानी मान कर कर बैठ गई। तो चंद्रावली पर मंदी भाल लाल लाल करी लाल चहल भर 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 भर
कुपित होकर मान कर बैठ गईं और ठाकुर जी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि अब तो राधा रानी ने मान कर लिया। तो दूसरे पद में ठाकुर जी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई जो तुम कह रही हो वो नहीं है, सही सही बात क्या है वो बता रहे हैं। तो कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए, 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 कुंवरी तू झूठे निर्दोष हूँ और मैं साफ साफ स्पष्ट रूप से तुमको कारण बताता हूँ, क्योंकि बात बनाना मुझे नहीं आता तो सही सही बात मैं तुमको बता रहा हूँ। तो सुनो मालिनी सब बात बताऊँ, सुनो मालिनी सब बात ललिता ही दई बिठाय। क्या हुआ, कल सखियों ने मिलकर, सारी सखियां मिल गई और सब ने कुंज में ललिता को बिठा दिया। मोते कही चलो कुंजन मिच राधे तोय बुलाए, और मुझसे आकर कहने लगे ये श्याम सुंदर तुमको राधा रानी ने बुलाया है। हाँ भोरो कछु बा भेद ना जान्यो, जानी तो ही गयो धायो, मैं तो भोला भाला उन सखियों की चाल नहीं समझ पाया और मैं उनकी ठगाई में आ गया और उनके पीछे पीछे चला गया। तो काली सखी न मिली नवल कुंज में, काली सखी न मिली नवल कुंज में, तू झूठे ही दोष लगाए।
कैसे हूँ मुख ना नखाए। कुंज में बहुत अंधेरा हो रहा था और मैंने बहुत कोशिश की मुंह देखने की, लेकिन एक तो घूंघट काढ़ा हुआ था, ऊपर से अंधेरा था, तो कैसे ही मुझे मुख दिखाई नहीं दिया उसका। और मोते कहा कि मान मानिनी पद गही लेहू मनाए। और मेरे से क्या कहा सखियों ने, चंद्रावली ने, कि आज राधा रानी ने तुमसे मान किया हुआ है, गुस्सा है, तो उनके चरण पकड़ के तो उनको मना लो। तो गहन तिमिर गहन तिमिर मुनि घूंघट याते, आंसू बहने लगे। तो याही ते ये लाल मिहावरी गई भाल लिपटाए। तो इसी कारण, चूंकि मैंने चेहरा तो देखा नहीं और सखियों ने कहा कि राधा रानी ने मान किया है, उनके चरण पकड़ के मना लो, तो मैंने चरण पकड़ के आंसू बहाकर मनाने का प्रयत्न किया, तो इसी कारण से ये मेरे माथे पर लाल मिहावरी लग गई है। मोहि रोवत तजी उठ पुनी ललिता, मुझे रोता हुआ छोड़कर वो ललिता सखी उठकर कुंज की तरफ चली गई। कुंजन गई दुराए, हों ढूंढत कुंजन प्रतिहार्यो कही कही राधे हाय। और मैं उसके पीछे पीछे कुंज में ढूंढता हुआ चला जा रहा हूँ, हा राधे इस प्रकार कहता हुआ बिलखता रहा। और वही प्रभात मरम तब जान्यो, रात भर ढूंढते रहे ठाकुर जी, और जब सवेरा हो गया तो ठाकुर जी कहते हैं अब मुझे मरम पता चल गया। क्या मरम? सखियन गयो ठगाए, कि मैं सखियों के द्वारा ठग लिया गया हूँ। याही ते दृग अति अरुणारे मुरली हूँ गई हिराए। और इसी कारण से, क्योंकि मैं रात भर रोता रहा, तुमको ढूंढता रहा, इसीलिए मेरे नैन लाल लाल हो गए, आंखें लाल लाल हो गई हैं, और मुरली भी पता नहीं कहाँ खो गई। अपर चिन्ह देखती तू जेतिक
उन सब के गुण आए। जितने भी चिन्ह तुमको दिखाई दे रहे हैं ये सब उन्हीं सखियों का कमाल है। सुनी कृपालु हसी कंठ लगाये मानिनी सखिन रिसाए। ऐसा सुनकर राधा रानी ने हंस कर ठाकुर जी को अपने गले से लगा लिया और उनका मान भंग हो गया। राधा रानी की मोते कही की अमान Good night.
Thank you.
सारी विनोद वही मंजू में दुहास करे बस बर बस उच्च अटहास जुमी चल चाल वही नट वर की गाँव मिले आरती रसिक वर की गाँव गाँव मिले आरती रसिक वर की जय जगत गुरु गुरु वर की गाँव मिले आरती रसिक वर की गाँव गाँव मिले आरती रसिक वर की आरती माँ पद्मा की जी जय 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 जगदम्बा की जय आरती माँ पद्मागी की जय 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 जगदम्बा की जय हीरापुर में जन्म लियो है राम की पालु ही मरण कियो है धन्य धन्य मन वास कियो है मन गढ़ धाम वास मोहि दीजे जय 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 जगदम्बा की जय आरती माँ पद्मा की कीजे जय 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 जगदम्बा की जय मांग सिंधु धर्मपति व्रत अचल नेम की तुमरी अनुकंपा गुरुवर ने निज सेवा सौभाग्य दियो है दो सेवा वर दीजे जय 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 जगदम्बा की जय आरती माँ पद्मा
सत्तु सरकार की, श्रीमा दिवल सरकार की, प्यारी प्यारी अम्मा की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।